नमस्कार पैर हो जिनके मिट्टी में हाथ कुदाल पर रहते हैं सर्दी गर्मी या फिर बारिश हर मौसम ही तो वो सहते हैं मेहनत करके वो अन्न उगाते पेट सभी का बढ़ते हैं वो है मसीहा मेहनत के उन्हें किसान हम कहते हैं दर्शकों आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार किसान किसान और उनके बैंक एवं मंडी संबंधी कानूनों के बारे में क्या है ये कानून जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट सुधेश पूनिया जी से आप विधि विशेषज्ञ हैं और भारत सरकार के द्वारा नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित है सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सुदेश जी जैसा कि आज हम हमारी कृषि के बारे में किसानों के बारे में बातचीत करने वाले हैं तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि किसानों के लिए मुख्य रूप से भारत देश में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं बिल्कुल राखी जी आपने ये चर्चा का बहुत अच्छा विषय चुना है और मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान जो है वो सभी आमजन को अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए और अच्छा बनाने के लिए बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे मौलिक अधिकार देता है उसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के द्वारा किसानों के लिए भी समय समय पर बहुत अच्छे कानून बनाए गए हैं जो किसानों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं अपनी उपज का अच्छा मूल्य ले सकते हैं लेकिन आज भी किसान उनके उनकी के बारे में उनके बारे में जानता नहीं है इस वजह से पूरा फायदा उठा नहीं पाता जैसे एक्ट एक्ट है है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट जो है। उसके द्वारा मंडियों की स्थापना हुई उसमें कौन से कानून किसान के मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो बहुत प्रयास किए हैं कानून भी बनाए हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसानों को उनके बारे में जानकारी नहीं है जी बिल्कुल कि, 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 किसानों को कानून का पता होता है लेकिन पूर्णतया जानकारी नहीं होती कि इस कानून के तहत उनके क्या अधिकार हैं इन अधिकारों का हम किस प्रकार से किस प्लेटफॉर्म पे उपयोग कर सकते हैं तो उन्हीं विषयों में आज अपन चर्चा करेंगे सर आपने एपीएमसी एक्ट का अभी जिक्र किया इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहिए जी बिल्कुल कोई भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो जी. वो पढ़े कहाँ पे उसके लिए स्कूल होनी जरूरी है कोई भी व्यक्ति बीमार है तो अपना इलाज करवाने के लिए कहाँ जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल की जरूरत है बिल्कुल उसी प्रकार से किसान जो है अपनी उपज को कहाँ बेचे इस समस्या से जब देश जूझ रहा था तो केंद्र सरकार ने यह देखा कि जैसे स्कूल बनाए हॉस्पिटल बनाए वैसे ही एक मंडी बनाए अच्छा। मंडियों की व्यवस्था करें ताकि किसान को सहूलियत हो अपनी उपज जो है वो आके वहां पे बेच सके इसके लिए एपीएमसी एक्ट का गठन किया गया राजस्थान में राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी उन्नीस में बनी इसका आधारभूत जो ढांचा था वो इस प्रकार से है कि किसान अपनी उपज जो है वो मंडी में लेके जाए जी। वहां किसान को पता नहीं है कि ब्रोकर से कैसे बात करनी है अपनी उपज को अपनी का सही मूल्य कैसे है कितने मूल्य में बेचनी चाहिए और तो ये जानकारी उस... होना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जी बिल्कुल जरूरी है तो उस चीज के लिए उन्होंने क्या किया कि एक बीच में आड़ती है जो खरीद रहा है किसान की उपज और किसान के बीच में एक ब्रोकर का कॉन्सेप्ट रखा उस ब्रोकर को कार्य करना था किसान के पे इतना दाम जो किसान है वो चाहता है तो मतलब वो एक तरीके से किसानों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल प्रतिनिधित्व करना था अच्छा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि बिचौलिय जो है वो प्रतिनिधित्व करने गए आड़ती होगा अब आज के समय में क्या होता है किसान अपनी उपज लेके जाता है और उस उपज का उतना ही मूल्य किसान को मिलता है जितना आड़तिया देना चाहता है क्यों क्योंकि किसान को एपीएमसी एक्ट के बारे में पूरा पता नहीं, नहीं है, है। और एपीएमसी एक्ट इसलिए गठित किया गया क्योंकि आया था उससे पहले किसानों के पास बाजार था नहीं तो अपने जो भी उपज थी उसको औने पौने दाम में किसी भी साहूकार को बेचना पड़ता साहूकार उसमें जो कट लगाना चाहता जिस प्रकार से उसका मूल्य देना चाहता उतना मूल्य देता साहूकार अगर ये बोलता कि इसमें नमी है उनके ऊपर हावी होता जा रहा था जी बिल्कुल हावी होता जा रहा था उस चीज से चुंगल से दूसरी चीज उपज बेचने के बाद भी किसान जो है वो साहूकार के ब्याज से जो पैसे लिए है उससे मुक्ति नहीं पा रहा है अपनी उपज का प्रॉपर पैसा मिल नहीं पा रहा है और देखा। ये भी प्राय देखा जाता था कि किसान पैसा लेने के बजाय दूसरी वस्तुएं लेता था अपनी उपज के लिए तो इन चीजों से निवारण करने के लिए ए एक्ट लाया गया ए एक्ट के तहत किसानों के क्या राइट्स हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ किसान अपनी उपज को घर से लेके जब मंडी में प्रवेश करता है जी। तो प्रवेश द्वार पर उसकी एंट्री होती है उसके बाद मंडी में प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं अब किसान को ये भी नहीं पता होता कई बार कि जो प्लेटफॉर्म है सरकार के द्वारा हमारे लिए बनाए गए हैं उस चीज़ का क्या इस्तेमाल होता है कि किसान को पता नहीं है तो जो मंडी में आड़ती हैं वो अपना सामान वहाँ पे लगा के रखते हैं किसान को मजबूरी में अपना जो सामान है जो बेचने के लिए उपज लेके जा रहा है वो ले जा के फर्श में डालनी पड़ती है ओपन में खुले में डालनी पड़ती है और हम देखते हैं कि बहुत बार बारिश आ जाती है ओलावृष्टि आ जाती है तूफान आ जाती है किसान जो छः महीने तक अपनी उपज के लिए मेहनत करता है वो उपज उसकी खराब हो जाती है सिर्फ इस अभाव में उसको जानकारी के अभाव में हम एसी में बैठ कर के आराम से व्यंजनों का लुत्फ ले सके। इसलिए वो गर्मी में चिल में चिलचिलाती धूप काम करते हैं बिल्कुल तो मेरा सबसे पहले किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप जब भी मंडी में जाएं अगर आपको पता नहीं है कि सरकारी यार्ड कौन सा है कौन सा प्लेटफॉर्म सरकार ने बना रखा है जिसके ऊपर टिन सेड वगैरह पूरी प्रॉपर व्यवस्था होती है तिरपाल वगैरह की होती है तो आप मंडी सचिव से मिले मंडी का जो कृषि उपज मंडी का जो ऑफिस है उसमें जाके पता लगाएं अपनी उपज को सरकारी प्लेटफॉर्म पे ही रखें ताकि इस प्रकार के नुकसान से होने से बच सके तो सर इस क्षेत्र में काफी जागरूकता और की प्रयास की जरूरत है ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें करना क्या है जी बिल्कुल दूसरी चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि किसान जब अपनी उपज लेके गए और उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है वहां तक कोई भी चार्ज लग रहा है जी। तो वो सिर्फ किसान के लगेगा चाहे उसमें वो ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके गया या और कोई आड़तियो का है जो पलदार है उनका है प्लेटफॉर्म पे डालने के बाद जब बोली लगेगी और बोली से वो उसका सामान बिक जाता है तो उसके बाद कोई किसी प्रकार का कर या चार्ज किसान को दे नहीं होता किसान को देना नहीं होता लेकिन जानकारी के अभाव में क्या होता है कि जो खरीदार आड़त या सौ जो खरीदता है जब उस सामान को खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे डलवाता है या अपने किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में डलवाता है तो वो भी चार्ज जो है किसानों से ले लेते हैं तो किसानों को इस प्रकार का कोई भी चार्ज जो है वो किसी को देने की जरूरत नहीं है तो सर इस तरीके से यदि हम चाहें और एक जागरूकता का प्रोग्राम शायद हमें चलाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी उपज का एक्चुअल मूल्य जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिल सके जी बिल्कुल जागरूकता के प्रोग्राम के तहत ही इसी कड़ी में आज आपके द्वारा यह आयोजन किया गया है तीसरी चीज मैं एक और बताना चाहता हूं एपीएमसी एक एक्ट में कि कोई भी अगर आरतिया किसान किसान जब अपनी उपज बेचता है तो उसको होता पूरा भुगतान कर तो करता है पूरा भुगतान कई बार नहीं, नहीं करता, करता वो दो महीने बाद चार महीने बाद करता है लेकिन एपीएमसी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कुछ समय बाद भुगतान किया जाना है तो किसान अपने इस अधिकार के तहत इस राइट के तहत जब भी उपज बेचे अपना खुद का मूल्य तय करे सरकारी तंत्र जो है उसका इस्तेमाल करें सरकारी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें अनावश्यक जो चार्ज हैं वो चार्ज ना दें और अगर नगद भुगतान लें अगर इन किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में किसान को कोई समस्या का सम सामना करना पड़ता है तो किसान को मंडी सचिव के पास लिखित में शिकायत करनी चाहिए और एपीएमसी एक्ट के तहत मंडी सचिव उस शिकायत का निवारण करता है ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेक करता है और अगर हकीकत में आती है की कोई बेईमानी या चार सौ पाई जाती है तो उसका लाइसेंस भी इस मंडी सचिव के द्वारा रद्द किया जाता है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसान को यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक ऐसा मंच होना बहुत जरूरी है जहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं बिल्कुल है। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो जरूर आप मंडी सचिव से मिले और अपने इस प्रकार की बात रखें ताकि किसी प्रकार की ठगी से आप बच सकें सर एक और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का, का काफी जिक्र होता है इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना जी बिल्कुल दो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा लाया गया और ये एक्ट एक, -एक मॉडल के तहत लाया गया कि किसान अपनी जो परंपरागत खेती करता आ रहा है उस खेती से हटके भी डेयरी फार्म करे जो हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं फल फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनकी भी करें तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ज़रूरत पड़ी अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत होता क्या है कि कोई भी कंपनी किसान के मध्य भी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सरकार उसमें तृतीय भूमिका के अंदर रहता है कि कोई भी समस्या आती है तो निवारण के लिए सरकार अपना रोल अदा करती है किसान जो है वो अच्छी उपज लेना तो चाहता है कई बार जो हाई कैस क्रॉप हैं वो लेना चाहता है लेकिन सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मैं ये उपज लेने के बाद बेचूंगा कहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मंडियों में परंपरागत जो चीज़ें हैं वही बिक्री है अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है तो सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया इसके तहत कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी कंपनी आके किसान के साथ एक एरिया में किसानों के साथ समूह के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जिसमें वो पहले से तय करते हैं कि हम किसानों को ये बीज उपलब्ध करवाएंगे ये खाद उपलब्ध करवाएंगे किसानों को ये फसल लेनी है और इस फसल को सिर्फ वो कंपनी ही खरीदती है कंपनी उस एक्ट के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाध्य होती है वो उपज खरीदने के लिए अच्छा। और मूल्य क्या दिया जाएगा वो भी पूर्व में निर्धारण हो जाता है अच्छा। तो जब किसान को पहले से सारी चीजें निर्धारित हो गई कि भाई मैं उपज लूंगा मेरी बिक जाएगी तो कोई भी नई वेरायटी जो है वो किसान लेने के लिए बहुत आसानी से तैयार तो हो जाता तरीके है। से उनके मन में सुरक्षा का भाव भी पैदा होता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट इससे पहले भी हालांकि ये चीजें चल रही थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद यही रहा कि इसमें किसानों के हित जो हैं उनको सुरक्षित रखा जाए क्योंकि ये माना जाता है कि बड़ी कंपनियां जो होती है उनके सामने किसान जो है वो कानून के मामले में जानकार कम होता है जी, जी। वो कानूनी पे अड़ा सकता है कहीं पे तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एक गाइडलाइन के मुताबिक जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किसान को पहले से पता होता है सारी खरीदेगा इतने में खरीदेगा ये मेरे को इतने टाइम में ये बीज उपलब्ध करवाना है ये इस प्रकार से देना है तो वो सुरक्षा और उसके हित जो है वो सुरक्षित नियम के तहत रखेगी सर आपने परंपरागत खेती की भी बात करी क्योंकि कृषि हमारे देश का मुख्य आधार रही है शुरुआत से हम खेती करते हुए आ रहे हैं और आज क्योंकि जमाना बदल रहा है हर चीज़ में परिवर्तन है टेक्नोलॉजी है चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र आज शायद तकनीक से अछूता नहीं है तो चाहे खेती करने का तरीका हो चाहे बीज बोना हो खेती के साधनों की बात करें हर चीज में नए नए परिवर्तन आते जा रहे हैं और आने चाहिए भी ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से किसान पहले खेती करते थे आज उन तरीकों में बदलाव आना चाहिए आपके क्या विचार जी बिल्कुल बदलाव आना चाहिए क्योंकि समय के साथ जनसंख्या बढ़ती जा रही है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है कम जमीन में जो किसानों के पास जमीन का एरिया है आकार है इंडिविजुअल किसान के पास वो कम होता जा रहे है बिल्कुल तो कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन लेना अधिक से अधिक उत्पादकता लेनी है उसके लिए अपने को कहीं ना कहीं जो नए तकनीक है उनको अपनाना पड़ेगा खाद बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा बिल्कुल और नई तकनीक अपनाने पे हम इन मंसूबों को पूरा कर सकते हैं सर एक और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जी इसके बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए जी भारत सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लाया गया इसके तहत कुछ चीजों को आवश्यकता के अनुसार आवश्यक वस्तु मान के कि ये वस्तुएं हैं जो हर आमजन के काम में आ रही है अच्छा मतलब कैटेगरी डिसाइड कर दी गई कि ये ये चीजें आवश्यक वस्तुएं मानी जाएं। जी बिल्कुल फसलों को उसमें सम्मिलित किया गया दलन जैसे दाल है तो आवश्यक वस्तु है हर आम आदमी भी जो है उसका उपयोग करता है गेहूँ है इस प्रकार से चावल है ये ये चीजें उसमें आवश्यकता के अनुसार रखा गया शक्कर है तो इसका मेन मकसद जो था वो ये था कि आवश्यकता की जो चीजें हैं जो हर आदमी ले रहा है जी उसका उत्पादन सही तरीके से हो उसका वितरण सही तरीके से हो और उसका जो मूल्य निर्धारण है वो मूल्य निर्धारण भी प्रॉपर वे में हो ताकि आम जन उसको खरीद सके जी। अगर ये नियम नहीं बनाते तो जैसे हम देख रहे हैं बहुत बार देखते हैं जैसे प्याज जो है प्याज की फसल जब होती है तो किसान को दो रुपये या चार रुपये प्रति किलो मिलता है वही उपज जो है वो आरतिया या कोई और उसको स्टोर करता है एक महीने दो महीने बाद उसी उपज को पचास रुपए सौ रुपये प्रति किलो में बार है। क्यों? क्योंकि वो उसका कर लेता है वो उन वस्तुओं कर लेंगे जब चाहेंगे तब तो उनका वितरण करेंगे जितनी क्वांटिटी में चाहेंगे उतना वितरण करेंगे तो उसके और अपने अनुसार उसकी रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं तो ये गवर्नमेंट ने अपने पास अधिकार रखने के लिए एक्ट बनाया राज्य सरकारों को भी इस एक्ट के तहत पावर दी कि आपके एरिया में आपके राज्य में जो भी फसल बहुतायद से हो रही है जो ज्यादा कंज्यूम हो रही है उसको आप इसमें जोड़ सकते हो हटा सकते हो वर्तमान समय में कुल सोलह वस्तुओं को आपसे एक वस्तु अधिनियम के तहत अच्छा माना गया सर एक और चीज़ की किसान क्योंकि मेहनत करता है बारिश का इंतजार करता है और कहते भी हैं कि मतलब जिस किसान की खुद की घर खुद की मकान की छत कच्ची है फिर भी वो आसमान से बारिश के उतरने का इंतजार करता है क्योंकि उसकी जिंदगी उसकी आजीविका उस बारिश पर उस पानी पर बहुत निर्भर करती है तो ऐसे में भंडारण का बहुत महत्व आ जाता है कि जो हमारी फसल है उसका स्टोरेज सही हो जी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं क्या व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए और क्या अधिकार हमारे कानून और योजनाओं के तहत इस संबंध में हमारे किसानों को मिलते हैं जी बिल्कुल कानून के तहत किसान को स्टोरेज का ये अधिकार दिया गया है कि किसान अपनी उपज को कितनी भी उपज हो बिना किसी लिमिट के उसको अपने स्टोर कर सकता है अपने घर पे कर सकता है वेयर हाउस बना के कर सकता है या जो सरकारी वेयर हाउस होते हैं गोदाम होते हैं वहां पे उसको स्टोर कर सकते हैं किसान के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अपनी उपज को इतनी क्वांटिटी तक ही आप स्टोर कर सकते हो सरकार ने नियम देर का है कि आप स्टोर करो जब चाहे जब उचित मूल्य मिले तब तो आप बेच सकते हो जबकि आमजन या जो प्राइवेट प्लेयर आड़ती होते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है कृषि उपज मंडी के द्वारा सरकार के द्वारा उस लाइसेंस के निर्धारित पैमाने के अनुसार ही वो उसका मूल्य कि कि से ले नहीं पाता जी। उसके पीछे कारण जो है वो भंडारण ही एक मुख्य कारण कि भंडारण की व्यवस्था नहीं है सरकार ने इसके लिए वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज भंडारण की अनुदान की सब्सिडी की योजना जो किसानों के लिए सालार की है कोई भी अकेला किसान करना चाहिए अपने खेत में छोटा या सामूहिक रूप से करना चाहिए कम्युनिटी के तौर तो पे करना चाहिए तो उस पर पचास परसेंट सब्सिडी के साथ बैंकों से उनको लोन की सुविधा मिलती है एक करोड़ का लोन अगर किसी किसान ने लिया है भंडारण वेयर हाउस बनाने के लिए तो उसको पचास लाख रुपये ही चुकाने में पचास लाख रुपये की उसकी सब्सिडी अच्छा। आ गई है ओके okay. सर so, एक और बात कि जैसे किसान इतनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं और परिवार को नहीं कहना चाहिए कि पूरे देश को चलाता है क्योंकि यदि हम देखें तो हमें अपनी जिंदगी में आम तौर पे बहुत कम बार डॉक्टर्स की इंजीनियर्स की इनकी जरूरत पड़ती है लेकिन किसान वो आदमी है जिनकी जरूरत हमें हर रोज पड़ती है दो बार तीन बार तो पड़ती ही है तो जरूरी है कि इनकी सुरक्षा होनी चाहिए तो कई बार खेती करते समय किसी दुर्घटना का यदि वो शिकार हो जाते हैं तो क्या ऐसे भी कोई प्रावधान है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हो जी बिल्कुल किसान खेती कृषि कार्य कर रहा है कृषि कार्य में बहुत तरीके घटनाएं दुर्घटनाएं जो है वो दैनिक आधार पर होती रहती है स्प्रे पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है किसान उससे उसकी डेथ हो जाती है कई बार उसको पता नहीं होता कि भाई कितनी मात्रा में मिलाना है किस प्रकार से उसको स्प्रे करना है कोई किसान जो है वो, वो कटाई मशीन का उपयोग कर रहे हैं उस समय उसका हाथ वगैरह कट जाते हैं हाथ वगैरह अंदर चले जाते हैं कुछ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है खेती का कार्य करते समय आकाशीय बिजली गिर जाती है या सर्प जो है उनका दंश हो जाता है या अपने खेत से वापस कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या किसी लड्डा गाड़ी वापस आ रहा है वो पलट जाती है उस दुर्घटना में यहाँ तक कि अगर कोई किसान मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए गया हुआ हो वहाँ उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या मंडी में उपज बेच के वापस घर आते समय भी कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा उन्नीस में, में राजीव गांधी कृषक साथी योजना चलाई गई अच्छा। जिसको 2006 में उसमें दो सॉरी 2009 में उसमें अमेंडमेंट किया गया और कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया अगर कोई भी किसान इस प्रकार की दुर्घटना से दुर्घटना का शिकार हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है कोई अंग भंग हो जाता है तो उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता उस जो जगह हो गई उसकी पूर्ति तो मानव की कोई नहीं कर सकता लेकिन सरकार के द्वारा जो पीछे व्यक्ति रहे हैं उसके परिवार को संबल जो है वो प्रदान कर सकते हैं आर्थिक सहायता जो वो दे सकते हैं इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो राजीव गांधी कृषक साथी योजना में लाभ लेना चाहिए इस योजना के तहत कम से कम पाँच हजार रुपये मान लो एक अंगुली कट गई अंगुली कटने में पांच हजार रूपये का अनुदान है ज्यादा से ज्यादा जो मृत्यु होने पे वो दो लाख रूपये का अनुदान है अच्छा। अब मुख्य बात है है कि जब इतन, इस प्रकार की योजना है, तो आमतौर पे किसानों के साथ हम देखते हैं दुर्घटना लेकिन उसका फायदा लेते हुए बहुत कम लोगों को देखते जी। है मेन वही बात है कि इस योजना का पता नहीं योजना का पता है तो आवेदन कैसे करना है कितने समय में करना है क्या डॉक्यूमेंट इसकी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए तो मैं थोड़ा सा वो भी अपने दर्शकों को बता देता हूँ राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत दुर्घटना होने के छह माह के अंदर छह महीने के अंदर जो कृषि उपज मंडी है उनके सचिव के पास आवेदन करना होता है आवेदन का प्रश्न जो प्रारूप है वो उनके पास होता है इसमें अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसका पुलिस एफ कॉपी साथ में लगानी होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साथ में लगती है दूसरी चीज अगर दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई कोई और चीजें हैं जैसे अंगुली वगैरह घटना और सारी और किसी प्रकार की है जिसमें अंग भंग हुआ है तो वो प्रमाण देने वाला सातवें प्रमाण पत्र उसमें लगाना होता है और छह महीने के अंतर्गत आवेदन करना होता है अगर आवेदन किसी कारणवश हम छह महीने से ज्यादा टाइम हो जाता है तो तीन महीने तक उसको जो कृषि सचिव है वो अपने विभाग को लिख के उस समय को बढ़ा सकता है और राज्य सरकार ने भी इसमें और किसानों के लिए थोड़ी सहूलियत दी है कि छह महीने का जो है वो राज्य सरकार भी इसमें समय दे सकती है दुर्घटना होने के पंद्रह महीने के अंदर अंदर इस प्र, इस प्रारूप के तहत आवेदन कृषि उपज मंडी में सचिव के पास करना चाहिए ताकि जो सरकार द्वारा जो अनुदान है जो आर्थिक सहायता वो मिल सके एक और बात ये क्योंकि किसान काम करता है जमींदार बिचौलिये आरतीय इनके साथ उसका संपर्क होता है उसे बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है तो यदि उसे कोई समस्या होती है तो वो किस मंच पे जाकर के अपनी बात रख सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मंडी में किसी प्रकार की समस्या का सामना उसको करना पड़ रहा है तो एपीएमसी एक्ट के तहत वो कृषि उपज मंडी सचिव के पास कर सकता है या कोई और किसी मामले में हो रही है तो उपभोक्ता मंच का भी जो द्वार है वो आमजन के लिए भी और किसान के लिए भी खुला है वहाँ भी आप जा सकते हैं और मेन चीज ये है कि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रही है उन्होंने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं योजनाएं भी बनाई हैं जरूरत है तो बस जागरूकता की जी बिल्कुल तो सर लास्ट में एक और चीज आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है लेकिन आज धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है हमारे देश के यदि युवाओं के बारे में हम बात करते हैं तो उनका रुझान नौकरी की तरफ शहरों की तरफ ज्यादा होता जा रहा है तो किस तरीके से इनोवेशन करके हमारी कृषि को और ज्यादा रोचक बना करके ज्यादा रोजगार देने वाली बना करके हम युवाओं का वापस से रुझान इस तरफ खींच सकते हैं जी बिल्कुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है मैं आपको बता दूँ उन्नीस में देश के अर्थव्यवस्था में जहां अट्ठावन परसेंट हिस्सा जो था वो कृषि का था वो घटते घटते 2021 तक 20 से 25 प्रतिशत तक आ गया कृषि क्षेत्र में जब निवेश की बात करें तो 201950 में 20 परसेंट जो था वो 2021 में 5 परसेंट के आसपास आ गया कारण उसका देखें तो कारण ये था कि नवाचार कम हो रहा था बिल्कुल पानी की समस्या थी बारिश पर आधारित थी जी, जी। और कई तरह के जो अगर कोई दूसरी क्रॉप लेना चाहे तो उसके प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं थे लेकिन अब सीनेरियो वापस बदल रहा है अब हम देख रहे हैं कि इनके लिए जो अपने पानी की मुख्य समस्या है उसके लिए नहरों का जाल जो है वो पूरे भारतवर्ष तो में सरकार के द्वारा फैलाया गया है ड्रिप इरिगेशन जो है उसके माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके अलावा जो राजस्थान सरकार भी है वो किसानों को फार्म पॉन्ड बनाने की सुविधा दे रही है अनुदान की योजना में नब्बे हजार रुपए तक अनुदान लेके किसान जो है वो बारिश का पानी फार्म पोंड में इकट्ठा कर सकता है और उसके उसको सिंचाई के साधन ले सकता है दूसरी चीज कृषि के क्षेत्र में अभी नवाचार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो नवाचार है वो एशिया में हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिटर्न सबसे ज्यादा है डेवलप्ड कंट्री की बजाय डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है और एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा नवाचार है सबसे ज्यादा रिटर्न है जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो वापस इसकी तरफ उनका रुझान बढ़ने लग गए हैं क्योंकि जो जो मुख्य समस्याएं थी पानी की थी बिजली की थी ट्रांसपोर्टेशन की थी स्टोरेज की थी वो सरकार के द्वारा योजनाएं चला के उनको दूर धीरे धीरे दूर किया जा रहा है नियमों में बदलाव करके किसानों को भी आकर्षित किया जा रहा है युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है और मैं आपको बता दूं इन्हीं चीजों का परिणाम है कि गत वर्ष वर्ष में चार से ज्यादा एग्रीकल्चर में हुए जो एक अपने आप में बड़ा आयाम बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं कि युवाओं का जो रुझान है धीरे धीरे इस तरफ होता जा रहा है जी बिल्कुल। और सर एक और चीज की शिक्षा की भूमिका इसमें बहुत अहम हो जाती है कि यदि किसान वर्ग हमारा शिक्षित होगा ज्यादा जागरूक होगा तो जो काम वो अभी कर रहे हैं उससे बेहतर तरीके से वो उसी काम को कर पाएंगे बिल्कुल शिक्षा की जरूरत हर क्षेत्र में होती है बिना शिक्षित बिना किसी जानकारी के हम कोई भी कार्य जो है वो कार्य परंपरागत तरीके से तो कर सकते हैं क्यों पहले जो हो रहा है उस, उसी तरीके से तो अपन कर सकते हैं लेकिन नवाचार क्या है नई टेक्नोलॉजी क्या है आई है उस टेक्नोलॉजी की जब तक अपने को समझ नहीं होगी जब तक अपन प्रैक्टिकली रूप में उसको देखेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे तब तक अपन कर नहीं सकते तो शिक्षा का महत्वपूर्ण तो रोल है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने इसी कॉन्सेप्ट के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की अभी हाल ही में हमने देखा होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा भी इसी साल इकतीस नई कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं जब एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो युवा हैं वो शिक्षित होकर कृषि के, के क्षेत्र में परंपरागत होकर निकलेंगे तो वो नई तकनीक जो है उन तकनीक का इस्तेमाल भी करेंगे और नई तकनीकों को जमीन स्तर पे भी लेके आएंगे बाकी किसानों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उपयोगी इतनी सार्थक जानकारियां हमारे दर्शकों तक आपने इतनी सहजता से पहुंचाई बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों मुख्य बात तो यही है कि जिंदगी जीने के लिए हमें महंगी महंगी गाड़ियों की नहीं बड़े बड़े बंगलों की नहीं महंगे वाले ब्रांडेड कपड़ों की नहीं बल्कि अन्न के निवाले और सिर पर छत की जरूरत होती है और ये अन्न उगाते हैं हमारे अन्नदाता हमारे किसान आज जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए इंडिया चाहे कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए रोटियां आप गूगल से डाउनलोड करके नहीं खा सकते हैं ये किसान की मेहनत से ही मिलेगी तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला समय हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी संपन्न सुखी समृद्ध होगा अगली बार कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए धन्यवाद